हाय गाइस, तो कैसे आप सब। तो वेलकम करता हूँ पीआरजी गेमर की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, लेके आ चुका हूँ आपके लिए फ्री फायर की बहुत अच्छी अच्छी अपडेट। फ्री फायर में बहुत ही अच्छी अपडेट आने वाली है, इवेंट आने वाला, बहुत कुछ फ्री रिवार्ड और काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली है फ्री फायर के अंदर। और गाइस, बात कर लें साइतमा की, तो फ्री फायर ने ऑफिशियली बता दिया कि 10 तारीख से स्टार्ट होने वाले इवेंट जिसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे फेरेट विल और बहुत सारे आइटम रिवार्ड जिसकी हम आगे चल के बात करने वाले इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें पीआरजी गेमर को, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें क्योंकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइस, इस वीडियो का लाइक एम है 10,000 लाइक, हाँ हो जाना चाहिए, तो गाइस जल्दी से लाइक करें। दोस्तों चले बात करते हैं सबसे पहली अपडेट की। तो फ्री फायर में कस्टम कार्ड का इशू आ चुका है, क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे को मिलता है कस्टम कार्ड, लेकिन फ्राइडे को नहीं मिला कस्टम कार्ड। काफ़ी सारे दोस्त मुझे क्वेश्चन कर रहे थे यार कस्टम कार्ड क्यों नहीं मिला। तो गाइस, हो सकता है कि फ्री फायर में कोई ग्लिच आया हो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ग्लोरी भी पूरी है, 1800 में मिल जाता है कस्टम कार्ड, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला। ये जो ग्लिच होगा, कोई ना कोई फ्री फायर सुबह इसको सॉल्व कर देगी, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो गाइस, आप बात कर लें न्यू इवेंट की। फ्री फायर में एक न्यू इवेंट आने वाला है जिसमें लिखा हुआ है मोर डायमंड मोर लक, मतलब कि सिंपल सी बात, ज़्यादा डायमंड लगाओगे ज़्यादा जो बंडल के जो लक के जो पाओगे। तो मतलब सिंपल ही है भाई, डायमंड लगाओ और चीज़ ले लो, तो इसमें लक का कोई चक्कर नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मिस्ट्री शॉप का ओल्ड बंडल भी लेफ्ट पे देख सकते हैं, उसके साथ इलेक्ट्रिक शॉक बंडल है और जोकर वाला बंडल भी आपने देख ही लिया, बाकी और भी काफ़ी सारे बंडल्स हैं। चले देखते हैं इसमें क्या है। तो चलें ओपन हो जाए, जोकर ही कहता हूँ इसको बस, बाकी कोई और बंडल का नहीं तो कुछ हो रही है। तो गाइस, इसका नाम है मिस्ट्री क्रेट, यानी कि मिस्ट्री क्रेट वाले इवेंट का तो आपको पता ही है किस टाइप का होता है। इसमें सिंपल ये होता है कि अगर आप जिन जब जो लाइन देख रहे हैं उसको कम करेंगे तो आपका कम होता जाएगा, 5 डायमंड 10 डायमंड, लेकिन आपके ये बंडल फिर कभी भी नहीं निकले। लेकिन अगर आपको ये वाले बंडल चाहिए तो उसके लिए आपको लगाने होंगे मैक्सिमम लक, यानी कि ऊपर आप नीचे आप देख सकते हैं मैंने मैक्स किया तो यहाँ पर 599, यानी कि 600 डायमंड अगर आप लगाते हैं तो इन 5 में से एक बंडल आपको फौरन से मिल जाएगा। तो वो तो लक है 5 में से एक, जिसमें आपका मिस्ट्री वाला बंडल भी हो सकता है, जोकर भी हो सकता है, तो ये जो मॉन्की वाला बंडल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है। अगर आपको ये सारे के सारे बंडल चाहिए तो इसके लिए आपको लगाने होंगे 3000 डायमंड। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉक चाहिए तो हो सकता है कि फर्स्ट स्पिन पर निकल आए, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे या फिर 5 पे, तो वो तो आपका लक है। तो ये वाला इवेंट आपको बहुत जल्द फ्री फायर में देखने को मिलने वाला है, तो रेडी हो जाए डायमंड के लिए। मोर डायमंड मोर लक, फ्री फायर ने पहले ही कह दिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इसे नेक्स्ट अपडेट की। तो फ्री फायर में आपको पता है कि बहुत बढ़िया बढ़िया अपडेट आ रही है, फ्री फायर बहुत ही ज़्यादा गेम्स के साथ कोलैब कर रही है और काफ़ी अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम बंडल इमोट हमको देखने को मिलने वाले हैं फ्री फायर के अंदर। और गाइस, फ्री फायर में एक आने वाली है MP40 जो कि अपग्रेडेबल होगी, जैसे कि आपने स्कार देखी है तो वैसी अभी आने वाली है MP40। तो उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, उसकी मुझे अपडेट मिल चुकी है, तो बहुत जल्द उसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी। उसकी जो एबिलिटी क्या होगी, उसका इमोट क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होने वाली है, क्योंकि फ्री फायर का यही है कि बस अपग्रेड वाली चीज़ें लाते जाओ। चलिए दोस्तों, इससे पहले बात करते हैं न्यू बंडल के। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट स्ट्राइक, तो ये वाला बंडल फ्री फायर में आने वाला है बहुत जल्द, जहाँ पर कस्टम कार्ड और कुछ शार्क वाइल टोकन भी है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है। तो चलें ओपन हो जा स्ट्राइक डाउन, ओके। तो फाइनली ये रहा बंडल, 9 स्पिन में 1 डायमंड है, अच्छा सॉरी सॉरी भाई रॉन्ग हो गए, 9 डायमंड का 1 स्पिन। चले देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर कुछ टीन वगैरह बने हुए हैं, जहाँ के ऊपर बने हुए हैं शार्क वाइल टोकन है, और देख सकते हैं कुछ दूसरा टोकन, जो कि लेफ्ट पे अगर हमारे पास 3 टोकन होंगे तो ये वाला बंडल हमको देखने को मिलेगा फ्री फायर में। तो भाई चले, 9 डायमंड तो इतना महंगा नहीं है यार, सस्ता ही काम है, 9 डायमंड है तो करना तो चाहिए। इस इवेंट में होता क्या है कि अगर आपके पास, यानी कि फर्स्ट स्पिन आप करते हैं तो आपको टोकन मिल जाएगा, सेकंड में मिल जाएगा, लेकिन विद थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह टोकन नहीं मिलेगा। तो यार ये मैं जो इवेंट को आजमा चुका हूँ पहले भी, देखें क्या मिला। तो देखिए गाइस, लक में मिल गया मेरे को टोकन, तो मुझे पता है फर्स्ट में टोकन मिलता ही है, सेकेंड में मिल जाएगा या फिर थर्ड में। जो लास्ट टोकन होता है ना, वो बहुत तंग करता है भाई, उसके लिए ना बस घूमते फिरते रहता हूँ। चले गाइस, स्पिन करके देखते हैं क्या मिला टोकन। मुझे पता है भाई, मिल जाता है टोकन। तो यहाँ से कस्टम कार्ड, 2 कस्टम कार्ड, ओके। तो 2 कस्टम कार्ड, तो स्पिन लगा तो कहाँ नहीं मिला, देखा होता है भाई। और नीचे देखें, डायमंड बढ़ते जा रहे हैं नीचे, 199 का हो चुका है। चलें फिर से स्पिन करें फिर से, ओ भाई टोकन फाइनली सस्ते में हो गया यार, लिखा भी हुआ 3 स्पिन में शायद 3 कार्ड पे। तो चलें दिखाऊं, ये बंडल कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। चलें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये कुछ ऐसा होने वाला है बंडल का लुक। तो लुक कुछ अच्छा भी है नहीं भी, लेकिन जो सबसे फेवरेट चीज़ है ना इसमें मेरे को, वो इसके शूज़ लगते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर शूज़ किस तरह लगते हैं, बहुत ही ओपी लग रहे हैं मेरे को यहाँ पर। तो इस बंडल में आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी? तो मेरे तो भाई शूज़ काफ़ी ओपी लग रहे हैं। जैसा ये इवेंट फ्री फायर के अंदर आ जाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट निकल के आती है फ्री फायर में न्यू मैजिक क्यूब बंडल।
तो फ्री फायर का जो अब का जो न्यू मैजिक जो बंडल आने वाला है वो बहुत ही ओपी होने वाला है, पर्सनली मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं ये रहा हमारा न्यू मैजिक क्यूब वाला बंडल। तो भाई साहब, तो अभी जो पुराने गुजरे साहब में थे यार, ये तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि डायमंड रॉल में जब से मैजिक क्यूब में शिफ्ट करना फ्री फायर ने स्टार्ट किया तो डायमंड रॉल के बंडल की कोई वैल्यू ही नहीं है। सब ये कहते हैं खैर है अभी छोड़ो, मैजिक क्यूब में आएगा तब ले लेंगे। तो यार ये तो सिंपल हो चुका है, क्योंकि अब फ्री फायर को चाहिए कि जो मैजिक क्यूब वाला सेक्शन है ना उसको सेपरेट कर दे तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि अगर वो डायमंड रॉल हमें मैजिक क्यूब में मिलता है तो यार कोई भी वेट नहीं करता, तो कोई वैल्यू नहीं रहती डायमंड रॉल की। अगर डायमंड रॉल बंडल के जो रेयर हो जाएंगे बंडल, तो क्या है लोग भी जो मैजिक क्यूब है अलग हो जाएगा, यानी कि मैजिक क्यूब बहुत मुश्किल से मिलता है। तो भाई मैजिक क्यूब चेंज कर दो फ्री फायर, मैजिक क्यूब को सेपरेट कर दो कि वहाँ पे अलग अलग आइटम देखने को मिले, तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो देखते हैं फ्री फायर क्या करती है। बाकी दोस्तों देख सकते हैं जो हमारी न्यू पैट है उसकी जो स्किन है कुछ रेड कलर की इस तरह की होने वाली है। तो यहाँ पे तो भाई 699 की और पैट मिल रही है 499 की, भाई बहुत महंगी है। टॉप अप रिवार्ड में आनी चाहिए इसको, तो टॉप अप रिवार्ड में ही लेंगे। बाकी ये पैट होने वाली है जो रेड वाली, वो आपकी स्किन होने वाली है, तो रेड वाली स्किन काफ़ी ओपी है, काफ़ी अच्छी दिखती है। दोस्तों बात करें टू नाइट की टॉप अप रिवार्ड की, तो फ्री फायर में न्यू टॉप अप रिवार्ड तो आपने देखा ही होगा। चलिए मैं आपको दिखा दूंगा ये जो ग्लू वाल की स्किन है किस तरह की दिखती है, भाई बहुत ही ओपी दिखती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कलेक्शन में। तो आप देख सकते हैं ये रही हमारी न्यू ग्लू वाल की स्किन जो कि टॉप अप रिवार्ड में मिल रही है 500 डायमंड के टॉप अप रिवार्ड पे। तो भाई काफ़ी ओपी है। तो जितनी भी ग्लू वाल गुजरी हैं सबसे अच्छी मेरे को ये लग रही है, क्योंकि काफ़ी यार लुक काफ़ी अच्छा है इसमें, शाइनिंग काफ़ी अच्छी है। तो आपकी कौन सी ग्लू वाल फेवरेट है कमेंट सेक्शन में बताना। तो भाई ये वाली गेट वाली तो भाई बहुत ओपी है, तो काफ़ी अच्छी भी लगती है लगाई हुई। तो बाकी 500 डायमंड के टॉप अप रिवार्ड पे यानी कि बिल्कुल फ्री में आपको मिल रही है। तो सिर्फ डायमंड तो आपको मिल ही जाने हैं, बाकी फ्री में आपको रिवार्ड मिल जाएंगे। बाकी बाहर के सर्वर पे इतने गंदे गंदे इवेंट आते हैं ना टॉप अप रिवार्ड पे, तो बस मत ही पूछो। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ओपी जो है चल रहे हैं जो हमारे जो टॉप अप रिवार्ड है। तो गाइस बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो फ्री फायर ने काफ़ी जगह पर देना स्टार्ट कर दिए हैं 3-3 दिन के लिए जो हमारे इमोट हैं, जैसे कि ये फ्लैग वाला इमोट देख रहे हैं इस तरह के, और काफ़ी सारे रिवार्ड। जब भी ऐसा होता है तो फ्री फायर का यही माइंड होता है कि पहले हम लोगों को दें कुछ दिन के लिए, बाद में ये इवेंट में दें, क्योंकि लोगों का माइंड बने। अभी जो भी इसको यूज़ करेगा वो कहेगा यार भाई बहुत ही ओपी है ये फ्लैग, तो काफ़ी अच्छा, ये इमोट जैसे ही आएगा गेम में मिलूंगा। तो 3 दिन के बाद जब खत्म हो जाता है तो वो कहता है क्या लेना है, तो फ्री फायर क्या करती है कि इवेंट में देती है, तो लोग उसको परचेज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये चीज़, तो ये भी आपको इस तरह देखने को मिल जाएगी। पहले बाहर के सर्वर पे आता है लेकिन हमारे पास ट्रायल नहीं मिलता, हमें डायरेक्ट ही मिलते हैं। जब भी आता है इवेंट के अंदर तो हमें डायरेक्ट ही मिलेगा, हमें ट्रायल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और गाइस बात कर लें सेकंड चैनल की PRG आर्मी की, तो गाइस बहुत जल्द फ्री फायर में जो PRG आर्मी का चैनल मेरा फ्री फायर का, वहाँ पर कुछ अलग टाइप होने वाला है, न्यू कॉन्टेंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैंने सोचा था PRG गेमर के ऊपर ही अपलोड करूँ, लेकिन यार ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिल रहा यहाँ पर, इसलिए मैं सोचा कि PRG आर्मी भी करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग वीडियो PRG गेमर पे ओनली अपडेट देखने को मिलेगी, लेकिन PRG आर्मी पे आपको अलग अलग जो एंटरटेनमेंट वीडियो और कंपैरिजन वीडियो इस तरह की आपको वीडियो देखने को मिलेंगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय फ्रेंड।